दिनेश नायक जी से चुनाव रहा, श्री वीरेंद्र बेदी से चुनाव रहा, श्री अजय टंडन जी से चुनाव और श्री चंद्रभान सिंह जी से चुनाव रहा। सात बार में विधायक बना और हर मुख्यमंत्री के साथ मैंने मंत्री पद भी संभाला, चार मुख्यमंत्रियों के साथ। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, इतने असत्य और ऊंचे आरोप ना तो आज तक मैंने किसी ऊपर लगाए हैं और ना मेरे इन सात लोगों से जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा, इन लोगों ने कभी मेरे ऊपर लगाया। हम बात करते हैं, राजनीति करते हैं, बैठते हैं, सब करते हैं। आज प्रश्न उठते हैं विधानसभा में तो ये नहीं उठता कि दमोह के विकास का क्या हो रहा है, प्रश्न ये उठता है कि दमोह ग्रीन में कहाँ से पैसा आ रहा है। अरे करो तो हजारों पेड़ लगवाओ तो, ये काम मुश्किल काम, आरोप लगा देना आसान काम। आज सिर्फ एक काम चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, कमलनाथ से लेके नीचे तक के विधायक से लेके मंत्री से लेके सब, पैसे बनाओ कार्यक्रम, पैसे बनाओ कार्यक्रम के अलावा दूसरा कार्यक्रम नहीं है। इन्हें लगता पता नहीं कब सरकार चली जाए ना, जितने आ जाए, जो ठेके हो रहे हैं वो ऐसे ही हो रहे हैं, जो ट्रांसफर हो रहे हैं, चपरासी का हो रहा है तो शिक्षक का हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, सब। और एक बात है, आप लोगों से छिपी नहीं कि किसी से छिपी हो, हम लोग इसको लेके लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, बताते हैं लोगों को कितनी तकलीफ। हमारे राजेंद्र जी बताएंगे आप कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से क्या होगा किसानों का, भैया बताएंगे कि किसानों का पेमेंट 2 लाख रुपए की तो बात छोड़ दो कि 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, वो ढेर चीज है। मैं तो आगे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर मैंने जितनी बात की इसमें अगर किसी को कोई पूछना हो पूछे, हम लोग तो मान तक भी बैठेंगे, अब धर्मेंद्र जी भी आपसे चर्चा करेंगे, राजेंद्र गुरु जी भी आपसे चर्चा करेंगे। मूर्ति की जहाँ तक बात है, तो विधायक ने आपसे सीधा आरोप लगाए कि आपने कभी इतना प्रयास नहीं किया कि वहाँ जाए, मुझे अगर मैं विधायक होकर ला सकता हूँ तो मंत्री होकर क्यों नहीं ला। इसमें अगर श्रेय है तो सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद पटेल के लिए है, ना उनके लिए है ना कमलनाथ के लिए, जिनका विभाग था उन्होंने लाके दी। और मैं आज उनका साधुवाद करना चाहता हूँ, उनको बधाई करना चाहता हूँ। मंत्री जनता की तरफ से जिसके मंत्री थे वो